Good afternoon to all of you. Today my topic is mechanical properties of material. This is my third video in this introduction chapter of foam. So here I will discuss to last video में हमने जैसे कि बताया था mechanical properties of material के बारे में कि हम लोगों ने elasticity एंड ड्यूरेबिलिटी और मटेरियलनेस एंड वेलेबिलिटी हम लोग इन सब टॉपिकों को क्लियर कट अध्ययन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है, बट जैसे ही हम अपने फोर्स को हटाते हैं वो अपने पुराने शेप को रिगेन कर लेता है। ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी के बारे में हमने बताया था कि हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, बट अब फोर्स को हटाए तो वो बॉडी अपनी पुरानी साइज शेप एंड साइज को रिगेन ना कर पाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी टोटली डिफरेंट है इलास्टिसिटी से, क्योंकि इलास्टिसिटी में पुरानी शेप एंड साइज को हम लोग रिगेन कर लेते हैं, जबकि इलास्टिसिटी में पुरानी शेप एंड साइज को हम लोग रिगेन कर लेते हैं, जबकि प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग को बताया था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का सीधा मतलब बताया था कि हम कोई भी रॉड को या कोई भी मटेरियल को हम लोग कोई मटेरियल या मेटल को हम लोग वायर के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, वायर के फॉर्म में ड्रॉइंग करेंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का सीधा सा एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने हमारे पास सोने की तार होती है, सोने की तार से पतली अंगूठी बनानी होती है, कभी कभी जब मोटी अंगूठी कभी कभी बनानी होती है, तो हम लोग स्वर्णकार की दुकान जाते हैं जहाँ पर वो सोने की तार को एक क्या कहते हैं जो उनके पास स्ट्रक्चर रहता है उसमें तार डाल के उसको पतली करते हैं, जिसके द्वारा वो रॉड मोटी से पतली में कन्वर्ट हो जाती है और एक वायर के खाम में कन्वर्ट होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है दूसरी, हां डक्टिलिटी का कोई एग्जांपल भी है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एंड माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम एंड माइल्ड स्टील एक गुड एग्जांपल है डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस डक्टिलिटी के जब माइल्ड स्टील नहीं होगा बट एल्युमिनियम होगा, माइल्ड स्टील नहीं। और दूसरा क्या एग्जांपल होगा, दूसरी क्या प्रॉपर्टी हमारे पास है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या है, ब्रिटलनेस में हम किसी पार्टिकल को हमारी कोई बॉडी होती है हम उसको क्या करते हैं तोड़ते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, और ब्रेक जो होगा विदाउट डिफॉर्मेशन होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे। और हमारे पास वेलेबिलिटी आती है, हमने वेलेबिलिटी के बारे में क्या बताया था, वेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स होगा एक हैमर के थ्रू होगा या रोलर के थ्रू होगा, हम लोग हैमर रोलर के माध्यम से किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे। फिर सुनिएगा, हमारे कहने का मतलब है मेल्टिबिलिटी में, मेल्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी जो है मैकेनिकल, उसमें हम लोग किसी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, हैमर या रोलर के माध्यम से हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे मेल्टेबिलिटी। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहां पर स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पांस टू अ लाइट लोड। इसमें जो मेनली एक वर्ड है इतना याद रखना है कि रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सा ये है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई करते हैं और उस बॉडी का थोड़ा सा उसमें उस बॉडी पर थोड़ा सा रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, हल्का सा डिफॉर्मेशन होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे स्टिफनेस। ये हमारे पास क्या होता है, टफनेस। टफनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। कितना सा वर्ड ही तुम्हें याद रखना है टफनेस के बारे में, कभी पेपर में आए जब नंबर को तो इतना ये इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, ये होता है टफनेस। तो टफनेस में क्या है, फ्रैक्चर से पहले जो
कोई बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हमारी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने वाली होती है, उससे पहले हमारी बॉडी जो होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। फिर बिफोर फ्रैक्चर फ्रैक्चर होने से पहले हमारी बॉडी क्या करती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। ऐसी कंडीशन किसमें होती है टफनेस में होती है। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इंपैक्ट लोड। एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक इंपैक्ट लोड इस लाइन में इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इंपैक्ट लोड। रेजिस्ट शॉक एंड इंपैक्ट लोड के माध्यम से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग रेजिलेंस। क्रीप क्या होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म कंटीन्यूअसली अंडर ए स्टेडी लोड स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए स्टेडी लोड। फिर से देखना व्हिच इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म कंटीन्यूअसली अंडर ए स्टेडी लोड स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए स्टेडी लोड। मतलब जब उस पे क्या कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी बेकरी पे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे होगी जब उस पे हम लोग क्या करेंगे कंटीन्यूअसली अंडर स्टेडी लोड लगाएंगे तो वो जब तक उस पे किसी बॉडी पर कंटीन्यूअसली लोड लगेगा तो वो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्टेडी लोड हल्का हल्का क्या करने लगेगा वो डिफॉर्म करने लगेगा। सपोज दैट जैसे हमारे पास ये है एक फिगर है ये फिगर में तो है लोडिंग टाइम वर्सेस क्रीप स्ट्रेस। तो ये फिगर जो हमारा है कि ऐसे क्रीप जाएगा पहले ये बढ़ेगा ग्राफ पहले ये ग्राफ बढ़ता है फिर ये यहाँ अटेंड करेगा अटेंड करने के बाद फिर से ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्राफ बनता है यही हमारी क्या बताती है क्रीप का पूरा तरह से इसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट हुआ फिर यहाँ से यहाँ पर जब गया तो मिनिमम पॉइंट हुआ मिनिमम पर फिर से मैक्सिमाइज प्लांट किया। तो एक साइकिल के फॉर्म में ये भी क्या कहते हैं अप एंड डाउन करती रहती है ऐसी जो होती है हमारी प्रॉपर्टी उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रीप स्ट्रेस। ये तो अगर ठीक होता है कंट्रोल ऑफ ए मटेरियल कॉज बाय साइकिल आर रिपीटेड लोडिंग मतलब इसमें क्या होता है ये एक साइकिल के फॉर्म में ये एक साइकिल के फॉर्म में ऐसे ऐसे अप एंड डाउन बनाती रहती है अप एंड डाउन बनाती रहती है मैक्सिमम टू मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हमारा घंटा आ जाता है कहीं पे तो उस समय क्या होता है साइकिल का जो पहिया होता है अप एंड डाउन करने लगता है पर उसको संभाले कौन रहता है उसको संभाले एक हैंडल हैंडल के माध्यम से हम लोग साइकिल को संभालते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्लोर ऑफ मटेरियल कॉज बाय साइक्लिक आर रिपीटेड लोडिंग साइक्लिक है और रिपीटेड रिपीट कर रहा है बार बार। तो जब साइक्लिक और रिपीटेड लोडिंग के साथ आए ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे फटी। सर दैट जैसे हमारे पास कोई बॉडी आ जाए एक मेटल की बॉडी आ जाए तो
हमको इसे इसको क्या करना होगा, डिफरेंट शेप में कट करना होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मशीन बिल्डिंग के माध्यम से कोई भी एक शेप ले लो, कोई भी एक शेप ले लो, हम लोग को कोई भी एक शेप हो, कोई भी एक शेप हो उसको कट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें मशीन बिल्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मशीन बिल्डिंग प्रोसेस इस पे लगाएंगे। उसके माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के मेटल कट करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन बिल्डिंग। हम लोगों ने टोटल 13 प्रॉपर्टीज का यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे पास हमने इलास्टिसिटी भी लिया, हमने बताया भी था 3 और 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार दो बार जरूर किताब से भी देख लें, उसके फिगर देख लें, जिससे कि पेपर में लिखते समय आपको कोई कठिनाई ना महसूस हो। उसकी साइक्लिक लोडिंग देख लो, जो हमने बताया कठिन में क्या होता है, रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग, जहाँ पर रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग आ जाए वहाँ पर हमारे पास फटीक होगा। क्रीप में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, तो वो भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। थैंक यू।